हेलो जी, मैं हूँ हार्दिक शुरान और आज की वीडियो है इग्निस 2020 जेटा वेरिएंट के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रोज के बारे में। वो है भाई साहब बिल्ड क्वालिटी। अदर सुजुकी कार्स से बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रेफर करती है और देती भी है। और अभी नेक्स्ट जो प्रो है इसका वो है इसका ये ग्राउंड क्लियरेंस, बेस्ट इन सेगमेंट है भाई साहब। इस साइज के एसयूवी के लिए बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ग्राउंड क्लियरेंस इसका। नेक्स्ट है भाई साहब, आपको दिखाता हूँ, ये देखना आप, सुनना थ्रेड सुनो आप, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया है गाइस। अब ये गाड़ी स्टार्ट है, इसका एनवीएस लेवल जो है वो बेस्ट है भाई साहब, बता भी नहीं चलता गाड़ी स्टार्ट है क्या, कितना ही आगे मैं आपको सुना दूं। नेक्स्ट जो इसका पॉजिटिव है वो भाई इसका एसयूवी सिटिंग पोस्चर, ये मेरी आंखों के सामने है कैमरा, ये देख सकते हैं आप, मेरे को बोनट विजिबल है पर पूरा नहीं है। बहुत बड़ी बात है यार एक एंट्री लेवल कार के लिए कि आपको ये बोनट पूरा दिखा रही है। नेक्स्ट इसका प्रो है वो इसका हार्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसका जो आउटपुट है इनके फोर स्पीकर्स का यहाँ पे और दो पीछे हैं, भाई साहब लाजवाब है, कोई और गाड़ी कम्पीट कर ही नहीं सकती। स्टार्टिंग की जो गाड़ियाँ आती हैं ये अंडर 5-6 लाख, मेरा ये जेटा वर्जन है, AMT है ऊपर से, तो मेरे को ये 750 का पड़ा था, थोड़ा कॉस्टली है मान लिया, एक्सपेंसिव है ये कार, पर उस हिसाब से भाई साहब आपको चीजें भी देती है। नेक्स्ट जो प्रो है वो है इसका रॉयल, ये देखो रॉयल स्पेस, भाई साहब इतना स्पेस मैंने भाई साहब एसयूवी करेटा तक ने नहीं देखा है यार, इतना बिल्कुल पीछे करने के बाद इसकी जो ये होती है ना, ये कुछ ज्यादा ही पीछे तक जाती है, क्या बोलते हैं इनको पता नहीं है गाइज, मेरे को याद नहीं इनको क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा ही पीछे तक जाती है। मेरी हाइट 6 फीट है और देखो गाइज मैं कितना पैर सीधा कर सकता हूँ गाइज, में देखो ये देखो, तो बहुत ही बढ़िया बात है। और नेक्स्ट जो प्रो है वो गाइस इसका ब्रेक, भाई साहब जहां बोलोगे ना वहां गाड़ी रोक दूंगा, जिस स्पीड में भी होगी यार, इतना कॉन्फिडेंस देती है ये, भाई साहब तहलका मचा रखे हैं इन ब्रेक्स ने, तो क्या ही बोलूं इन ब्रेक्स के बारे में तो। और एक बेस्ट जो इसका प्रो इंटीरियर का मेरे को लगता है वो है भाई साहब इसका AC, ऑटोमेटिक नहीं क्योंकि अल्फा वेरिएंट नहीं है, जेटा में ये नहीं देते, जेटा में बलेनो में दे देते, इसमें नहीं मिलता है, कॉस्ट कटिंग जरूर करेगी मारुति कहीं ना कहीं। सो बेस्ट इन सेगमेंट AC है यार। फ्लो देखो फैंस का बहुत तेज है, फ्लो तो कम ही रखते हैं, 2 पे रखता हूँ मैं, पर AC चिल्ड इतनी जल्दी करता है ना गाइस, कोई हद नहीं है उसकी, मान सकते हो आप। और एक बार मैं बोनट खोल देता हूँ। नेक्स्ट जो प्रो है भाई साहब गाड़ी का वो है इसकी लाइट्स, इसमें ना ही तो प्रोजेक्टर LED कुछ भी नहीं आता है, इसमें हेलोजन आती हैं और नॉर्मल लाइट्स आती हैं, पर इनका थ्रो भाई साहब लाजवाब है, गजब का थ्रो इनका, रोड पे बस काम कर देती है। और नेक्स्ट जो प्रो है वो ये है भाई साहब, बेस्ट इन सेगमेंट इंजन है इसका, 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है इसके अंदर, BS6 वर्जन है, बेस्ट पावर बेस्ट सब कुछ इसमें, CNG भी फिट हो जाती है इजीली, कोई भी आपको साथ में जो भी आपकी शॉप है आपकी नियरेस्ट शॉप है वो आराम से फिट कर देगा। उसके बाद ये 30 एंड अबव की एवरेज देगी, बेस्ट चीज़ है भाई साहब। नेक्स्ट इसका प्रो है वो इसके बूट स्पेस से रिलेटेड है, बूट स्पेस देखो भाई बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस है, ये यूं ही पड़ी रहती है, कोई लगाता नहीं, यूजलेस है। अब जो बारी है गाइस वो इसके कॉन्स की है, एक बार मैं कर देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं क्या हुआ, ओ भाई हो चुकी है। और जो इसका स्टेयरिंग व्हील है ना, ये हाईएस्ट स्पीड्स पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं देता है, कॉन्फिडेंस तो जीरो है भाई साहब स्टेयरिंग का, अब 80 तक चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत ही लाइट है यार, कोई फायदा नहीं है, बहुत गंदा है ये मानो आप।
और नेक्स्ट जो इसका नेगेटिव है वो है इसका इंटीरियर की रैटलिंग नॉइस। बता नहीं यार कहीं से आवाज आ जाती है और कहीं से चली जाती है, बेइज्जती करवा रहा है, कभी आती है कभी नहीं आती है, चक्कर क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये वही बात है ना, सुजुकी पता नहीं कहाँ कहाँ से बजती है, गारंटी नहीं देती सुजुकी। और नेक्स्ट जो है भाई साहब वो है इसका एक नॉइस मेरे को जो आइडेंटिफाई हुई है वो है इसकी बोतल होल्डर्स में। जब भी गाइस इसमें बोतल डलती है ना, किसी में भी हो चाहे पीछे भी हो, और स्पीकर बजता है, बजने की जरूरत नहीं है, आप रोड पे गाड़ी चलते थोड़े मोड़े खड्डे आए तो बोतल आवाज करेगी, वो बहुत ही घटिया नॉइस है यार वो, क्या क्यों ही तो। और सेकंड जो मेरे को ये सेकंड मतलब नेक्स्ट जो कौन है वो है ये, आप इस पे पैर लगाते हो, आदमी रेस्ट तो करेगा ना यार, आदमी रेस्ट तो करेगा, मतलब यूं ही थोड़ी रखेगा पैर, थोड़ा बहुत यूं भी हो जाए, यूं भी हो जाए, ऐसे भी हो जाए, तो ये आवाज करने लगता चलता है तब तो। कर रहा है देखो, नोटिस हो रहा है, बहुत ही घटिया है यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा ये छोटी मोटी चीजों में कॉस्ट कटिंग क्यों करती है सुजुकी। और ये देखो आप, ये क्या है, ये पता नहीं। नेक्स्ट जो इसका कौन है वो है इसका वाइट इंटीरियर, ये ड्यूल टोन इंटीरियर जो आता है लगता तो बहुत प्रीमियम है गाइस, क्या लगता है गाइस आप देखो, पर ये जो वाइट पॉलिस्टर है ना ये उससे ज्यादा गंदी होती है। मैं आज इसको साफ करूंगा ना तो, ये हमारे भाई रफ्यूज है गांव का यूज है, तो दो दिन में गंदी हो जाएगी ये, देखो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, वो देखो ये देखो ये देखो बहुत गंदी हो रखी है गाइस। नेक्स्ट इसका जो कोन है वो इसका रियर स्पेस, आगे वाली सीट मेरे हिसाब से सेट है, और ये देखो गाइस स्पेस देखो, मतलब वो बिल्कुल पीछे है, इतना स्पेस है यार देखो आप, क्या कोई स्पेस है गाइस, आप देख सकते हो कोई, मतलब यार क्या ही तो बोल, महाभारत है गाइस, आपको आराम से इतना पीछे तो कोई करके चलाता नहीं, पर मैं जब बैठता हूँ इतनी पीछे करता सेट कर लेता हूँ, एक नॉर्मल आदमी इतने पे चलाएगा, इतना तो होगा ना, तीन फिंगर्स का इतना तो रखता है कल, मेरी 6 फीट हाइट है, उस हिसाब से डिसेंट सा स्पेस है, एक फिंगर का है, डेढ़ का मान लो, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, पर यार इतनी परफॉर्मेंस दे रही है तो हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है ये बूट स्पेस के बारे में, ये इसकी जो लोडिंग लिप है ना गाइस, ये देखो आप क्या ही तो बोलूं, एक फिट की है क्या ये, इतनी ज्यादा लोडिंग लिप दिक्कत देती है, बहुत ही दिक्कत देती है। गाइस नेक्स्ट जो इसका इरिटेटिंग है वो इरिटेटिंग नॉइज है वो ये है सीट बेल्ट, अगर मैं इसको खुला छोड़ दूं तो ये यहाँ पे लग लग के आवाज करता है, जो लगता है पूरी गाड़ी बज रही है एक साल के अंदर अंदर, वो शुरू से ही कर रहा है। सुजुकी को देखना चाहिए यार, छोटी मोटी चीजों में कोस्ट कटिंग ना ही करे तो ठीक रहेगा, बाकी गाड़ी एक नंबर है। मैं इसको लगभग एक साल मतलब 11 महीने हो चुके हैं ओन कर रहा हूँ, गाड़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दे रही है यार, बिग थम्स अप फॉर इग्निस ज़ेटा 2020।